हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। कुक विद कनक में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गांधारी का साग। इसे बनाने से पहले हमें इसे अच्छी तरह से साफ करना होगा। इसके डंठल से हमें पत्तों को इस तरह अलग करना होगा और इसे ऐसे करके देख लेना होगा कि इसमें कीड़ा है या नहीं। इसी तरह से हम इसे साफ कर लेंगे और दो तीन पानी से इसको वॉश कर। साग को हमने अच्छे से धो लिया है, तीन चार पानी से हमने इसे वॉश किया है। इसको अच्छे से धोना पड़ता है, इसकी सफाई में हमें बहुत समय लग। अब हम कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है तो हम इसमें डाल देते हैं धुले हुए साग। थोड़े से साग हम बचा के रखेंगे कच्चा। साग को हमने कढ़ाई में डाल दी है, ये ऊपर तक है, थोड़ी देर में गल जाएगा। थोड़ी देर में गलने के बाद ये नीचे आ जाएगा, इसे हम एक मिनट ढक देते हैं। इसमें हम नमक डाल देंगे ताकि ये जल्दी गल जाए। हमें ये मान के चलना है कि ये गलने के बाद आधा से भी कम हो जाने वाला है, इसी हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे, तभी हमारा साग परफेक्ट बन पाएगा। नहीं तो क्या होता है कि समझ नहीं आता है, हम साग देखने में तो ज्यादा होता है तो हमें समझ नहीं आता है कि हम इसमें कितना नमक डालें, नमक इसलिए कम और ज्यादा हो जाता है। बस इस बात को ही ध्यान में रखना है। इस तरह से चलाते हुए इसको नीचे की तरफ कर देंगे हाथ से दबाते हुए। देखिए नीचे से गलने लगा है। इसे मीडियम फ्लेम पे करके फिर से हम इसे ढक देंगे। ज्यों-ज्यों ये गलेगा ये नीचे आ जाएगा, फिर हमें चलाने में परेशानी नहीं होगी। और हम इसे फिर जब तक हमारा साग गल रहा है हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हम इसे जानते हैं, आज हम इस साग को तीन तरीकों से बनाएंगे। ये गल जो रहा है हमारा साग उससे मैं दो तरीकों से बनाऊंगी और एक तरीका मैं इस बचे हुए साग से बनाऊंगी। आइए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले मैं इन प्याज को कटिंग कर लूँगी छोटे छोटे टुकड़े में। दो प्याज को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करूँगी और एक प्याज को लंबाई में काट लूँगी। प्याज की कटिंग हो चुकी है, मैंने एक प्याज लंबाई में काट लिया है, दो प्याज को छोटे टुकड़ों में। टमाटर को भी मैं इसी तरह साफ करके बीच से इसे हटा दूँगी और साफ करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। टमाटर को भी हमने कट कर लिया है, लहसुन की कलियों को भी हमने छोटे 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 टुकड़ों में काट लिया है। मैं मिर्ची को, हरी मिर्ची को भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। आप चाहें तो इसमें लाल सूखी मिर्च भी डाल सकती हैं, मैं यहाँ पे हरी मिर्च का यूज कर रही हूँ। साग के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ। हमारे बिहार में, खासकर मिथिलांचल में, गांधारी साग को लोग गेंहारी साग के नाम से भी जानते हैं। जो नहीं जानते होंगे गांधारी का साग, वो गेंहारी साग जरूर जानते होंगे। तो इस तरह से बनाएं। साग हमारा गलने लगा है, इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रहेगा। देखिए साग हमारा कितना सारा पानी छोड़ने लगा है, जिसके कारण ये जल्दी गलेगा। इस तरह से हमें छुलनी की सहायता से करना है ताकि ये छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाए। इसे हम फिर से ढी वाली साग गल रही है, हम इस बचे हुए साग की कटिंग कर लेते हैं। गल चुका है, इसे थोड़ी देर और गला है। इसे हमने बिना तेल के ही गलाया था, आप चाहे तो इसमें तेल डाल के भी गला सकते हैं। इसे फिर से ढक देते हैं।
हमारी साग की कटिंग हो चुकी है तो हम इसे एक कटोरी में रख लेंगे। इसमें हम डाल देते हैं कटी हुई प्याज, लंबाई में जो हमने काट के रखा था, कटी हुई हरी मिर्च, इसे इस तरह से मैश करेंगे। थोड़ी देर मैश करने के बाद हम इसमें डाल देते हैं बेसन, 2 चम्मच हम इसमें बेसन डालेंगे। और 1 चम्मच हम डाल रहे हैं चावल का आटा, 1 चुटकी बस, थोड़ा सा हम डाल रहे हैं यहाँ पे हल्दी। नमक हम यहाँ ऐड नहीं कर रहे हैं, नमक हम ऐड करेंगे बनाते समय, नहीं तो इसमें पानी छोड़ देगा अभी डालने से। इसे हम साइड में रख देते हैं और साग को देख लेते हैं गला है। साग हमारा गल चुका है तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। साग हमारा गल चुका था तो हमने इसे एक प्लेट में निकाल दिया है। कढ़ाई लेंगे, हमने उसी कढ़ाई को धो के फिर से ले लिया है, इसे गरम कर लेंगे। कढ़ाई हमारी गरम हो चुकी है तो हम इसमें डालते हैं 1 चम्मच तेल। ज्यादा तेल हम नहीं यूज करेंगे, बस 1 चम्मच ही। तेल हमारा गरम हो चुका है तो हम इसमें डाल देते हैं पीली सरसों। आपके पास अगर काला है काला सरसों तो आप काला सरसों डालें, मैं पीली सरसों ही यूज कर रही हूँ। कढ़ाई तरकने लगा है तो हम इसमें डाल देते हैं कटी हुई लहसुन की कलियां, जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। इसे थोड़ा ब्राउन होने देंगे। ये ब्राउन हो चुका है तब हम इसमें डाल देते हैं कटी हुई प्याज। प्याज थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे टमाटर और मिर्ची। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें डाल देते हैं कटी हुई टमाटर और कटी हुई हरी मिर्च थोड़ी सी। तीखा आप अपने हिसाब से बनाएं, कम तीखा खाते हैं तो कम मिर्ची डालें, ज्यादा तीखा खाते हैं तो ज्यादा मिर्ची डालें। टमाटर डालने के बाद हम थोड़ी देर ढक देंगे ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। गल चुका है तो इसमें हम डाल देते हैं साग। साग की मात्रा कम था इसलिए हम इसमें कम टमाटर और कम ही प्याज दे रहे हैं। अगर साग की मात्रा ज्यादा है तो इसमें टमाटर और प्याज की मात्रा बढ़ा दें। आधा साग हमने यहाँ पे यूज किया है, आधा को हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। साग की एक डिशेज हमारी तैयार है, इसे हम एक कटोरे में, मैं उसी कढ़ाई को यूज कर रही हूँ, बार बार यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो दूसरी कढ़ाई भी ले सकती हैं, मैंने इसे धो के फिर से यूज किया है। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो हम इसमें डाल देते हैं तेल। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें डाल देते हैं सरसों। सरसों तरक चुका है तो इसमें डाल देते हैं हम सूखी लाल मिर्च। गला हुआ साग जो हमने आधा बचा के रखा है, और हमने ये थोड़े से लाल चने पहले ही पानी में भिगो दिया था, फिर उसके बाद उबाल के लिया है। आप चाहें तो एक साथ ही बना सकती हैं, मैं यहाँ अलग अलग डिश दिखा रही हूँ इसीलिए पहले ही उबाल के रखा था। हमने इसमें चना डाला है, थोड़ा नमक भी डालना पड़ेगा क्योंकि हमने साग के हिसाब से नमक डाला था, चना थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, इसे थोड़ी सी नमक डाल देते हैं। 2-4 बार इस तरह से चला के हम इसे निकाल लेंगे। ये हमारा चना उबला हुआ है तो इसमें ज्यादा देर नहीं पकाएंगे, अब इसे भी हम निकाल लेते हैं एक कटोरे में। अब मैं ये जो काट के रखी थी मैश करके उसमें नमक डाल देती हूँ। नमक डालने के बाद इसे हम इस तरह से मिला लेंगे। इस सभी को मैंने गोल लड्डू की तरह बना लिया है। कढ़ाई गर्म है, तेल को हम थोड़ी देर गर्म होने देंगे। हमने चेक कर लिया है तेल गर्म हो चुका है तो हम इसे इस तरह से दबाते हुए तेल में डाल देंगे। अब हम इसे पलट देते हैं, थोड़ी देर हो चुका है तो ये एक तरफ से सिक चुका है।
ये हमारा तैयार हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। किसी किसी को क्या होता है कि साग बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, तो आप इनमें से किसी तरीके से भी बना के देखें, उन्हें कोई ना कोई तो पसंद आ ही जाएगा। इसी तरह से और हम यहाँ पे डाल देंगे। साग हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है, इसे आप किसी भी रूप में बना के खा सकते हैं। तो तैयार है हमारी एक ही साग की तीन तीन डिशेज। कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।